हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीजर्स हूज प्रोडक्ट विथ -1 इज -48। ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, किसी भी नंबर को जैसे मान लीजिए 5 है और यदि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, ये आपका पॉजिटिव माना जाएगा, ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस, इसका -5 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन यह है उस फाइंड द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विथ -1। आपको वो इंटीजर नहीं पता है तो इसमें क्या आप मान लीजिए, लेट द इंटीजर इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू -1 इक्वल टू -48। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया वो इंटीजर एक्स है और एक्स से -1 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमको रिजल्ट में -48 मिल रहा है। अब ये -1 आपका यहाँ पे देखिए, -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्स इक्वल टू -48 अपॉन -1। सेम कंडीशन, अगर माइनस इंटीजर मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में डिवाइड होते हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलता है। दोनों अगर पॉजिटिव हैं, ये आपस में डिवाइड होते हैं तो ये आपको जो है रिजल्ट पॉजिटिव में मिलता है, प्लस में मिलता है। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनका अगर डिवाइड करेंगे तो आपको नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये प्लस ये माइनस अगर आपस में डिवाइड होंगे तो रिजल्ट आपको माइनस में मिलेगा। सपोज दैट पहले माइनस है फिर प्लस है, ऐसे पॉजिटिव ऐसे इंटीजर अगर आप में डिवाइड होते हैं आपको रिजल्ट, मतलब आपको ये ध्यान देना, जैसे मल्टीप्लीकेशन वाले रूल में भी सेम ऐसे ही रूल चलते हैं डिविजन में भी। तो आपने यहाँ पे देखिए, ये माइनस डिवाइड होगा तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और ये 48 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, वो इंटीजर आपका 48 होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विथ -1 इज 95। इसमें भी यही मान लीजिए, लेट द इंटीजर इक्वल टू एक्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू -1 आपको रिजल्ट क्या हो रहा है, 95 पॉजिटिव में आंसर दे रहा है। अब ये आपका 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 95 अपॉन -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन बनी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए ये आपका नंबर जो है, ये इंटीजर आपका पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, जब ये डिवाइड होगा तो आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, माइनस में। तो एक्स की वैल्यू तो 95 आएगी, क्या आएगा, 95, बट ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट आपको -95 में मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का रूल, तो यहाँ पे आपको ये देखना, अगर दोनों निगेटिव हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिलेगा। बट एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन है 6 के आगे, मतलब ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट माइनस में मिलेगा। अब बड़ी इजिली से आप जो है बहुत आसानी से 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 65 जो 30 की 0, 63 जो 18, 65 जो 30 की 0 कैरी आए 3, और 63 जो 18, 19, 20, 21, 210 आ गया आपका, ये 210 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में रहेगा, माइनस में, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको माइनस में मिलेगा। 96 जो 54 होता है, लेकिन ये निगेटिव ये पॉजिटिव इसको निगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे देखिए, यहां ये निगेटिव, तो पहले आप चाहे आपकी मर्जी पर है, चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, हम यहां पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो 2 3 6 इंटू माइनस 7, ये निगेटिव इन दोनों का निगेटिव निगेटिव का जो मल्टीप्लाई है वो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। अब 6 7 जा 42, अब यहाँ पे देखिएगा ये निगेटिव ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा ये निगेटिव में, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल जो है इसमें जो क्वेश्चन में है उसको आप करिएगा अपने से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। क्वेश्चन ये है कि आप अगर 68 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 68 पॉजिटिव इंटीजर्स और 97 निगेटिव इंटीजर्स, 68 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 97 निगेटिव इंटीजर्स, तो आपको रिजल्ट मल्टीप्लाई का जो आएगा मल्टीप्लाई करने से ही निकलेगा, बट साइन क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -1 × -1 × -1 × -1 देखिए 1 2 3 4 रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, पर ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर यहाँ 4 नंबर है इंटीजर हैं, 4 निगेटिव इंटीजर हैं, तो आपको ये आंसर पॉजिटिव में मिल रहा है। यही अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 अगर इंटीजर हो जाएं, अगर 5 इंटीजर हो जाएं, तो आपको रिजल्ट माइनस में मिलेगा। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि ये तो पॉजिटिव है ही, निगेटिव इंटीजर्स में अगर आपको ऑड नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 97, तो ये निगेटिव इंटीजर्स का रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव का चाहे कितने नंबर हो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई आपको लास्ट में रिजल्ट में क्या मिलेगा, साइन क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, क्या होगा, NEGATIVE निगेटिव इंटीजर आपका जो है 68 पॉजिटिव और 97 निगेटिव इंटीजर्स को जब आप, ये पॉजिटिव ही रहेगा जब 68 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसका जो है 97 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव रहेगा, बट जब इन दोनों का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आपको निगेटिव इंटीजर मिलेगा, साइन आपका क्या होगा, निगेटिव इंटीजर ना लिखिए, निगेटिव साइन होगा आपका, ये ध्यान रखिए निगेटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिएगा 132 निगेटिव, निगेटिव में मैंने बताया था यहाँ अगर 2 -1 × -1 दो निगेटिव हैं, ये -1 और ये -1, -1 × -1 × -1 यहाँ पे देखिए 3 निगेटिव हैं, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आपने ये देखा कि अगर इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं निगेटिव साइन तो आपको पॉजिटिव में रिजल्ट मिलता है, अगर ऑड नंबर निगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट इसमें मिल रहा है निगेटिव में। यही कंडीशन, ये आपको 132 इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम निगेटिव इंटीजर अगर आप में आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। आइए 24 पॉजिटिव 24 हो या 25, चाहे जितने नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रिजल्ट आपको पॉजिटिव में ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला जो है अगले एक्सरसाइज में देखें।